अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कुदरतुल्ला विद यू पीपल विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर चैप्टर रिस्पिरेशन एंड फ्रॉम क्लास सेकंड ईयर एंड टुडे वी विल फोकस ऑन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन राइट एंड देन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन. सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट द डिजीज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन दैट इज द साइनोसाइटिस एंड ओटाइटिस मीडिया विच आर इंक्लूडेड इन योर कोर्स राइट. सो इसमें हम फोकस करेंगे इन दो डिजीज पे के साइनोसाइटिस क्या है, ओटाइटिस मीडिया क्या है, ये क्यों होती है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट साइनोसाइटिस. द वर्ड साइनोसाइटिस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, साइनोस विच आर द फेशियल ओपनिंग एंड इन मेडिकल टर्मिनोलॉजीज एंड इन बायोलॉजी दिस आइटिस Itis means inflammation or infection. So we can say that this sinusitis is the infection or inflammation of the nasal sinuses nasal sinuses. Yes, right. This is the infection or the inflammation of the nasal sinuses or the facial openings. Right. So sinusitis is the inflammation of a nasal sinuses or facial opening, right? So firstly we have to know that what is the function of this sinuses. Sinuses contain a membrane secreting antibodies containing mucus, and that mucus which contain the antibody is responsible for the protection from the irritants. इसका काम क्या है, ये एंटीबॉडीज को सीक्रेट करता है. इसमें ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो कि एंटीबॉडीज को सीक्रेट करते हैं म्यूकस में, और उस एंटीबॉडीज का काम क्या है कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको फिल्टर करते हैं. उसके फिल्ट्रेशन का काम किस चीज का है, इस साइनोसिस का है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज को सीक्रेट करते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइनोसिस. सो लेट्स स्टार्ट. वी हैव फोर डिफरेंट टाइप ऑफ साइनोसिस. The pair of sinuses is present in a forehead, which is named as frontal sinuses, right? Uska naam kya hai? Frontal sinuses. Here is another sinuses, which is means it, which name is ethmoid sinuses, right? Ethmoid. And here is another, which is named as sphenoid, okay? Sphenoid. And the last one, the largest one, that is named as a maxillary, okay? Maxillary. Maxillary is the largest type of sinuses, which is also called as a cheek sinuses, right? Ye cheek sinuses hoti hai. Means the largest type of sinuses, which is present in a cheek position. So that's why this is named as a cheek sinuses, right? This is actually the largest type of sinuses. Okay, so we have discussed about the four different type of sinuses. Okay, so frontal sinuses, ethmoid sinuses, sphenoid sinuses, and the maxillary sinuses. Maxillary sinuses is the largest opening of the facial sinuses. Okay, so let's talk about its causes and risk factor. Its causes, it is caused by bacteria, virus, allergens. Our dryness, our air heater and AC. Okay, so bacteria की वजह से भी ये cause हो सकती है, viruses की वजह से भी हो सकती है, allergy containing substances such like allergens जो है, pollens जो है, या वो है dust है, तो इससे भी हो सकती है. इसी तरह अगर एक सीवियर ड्राइनेस है किस चीज में, इन्वायरमेंट में, तो उससे भी ये साइनोसाइटिस हो सकती है. अगर आप ज्यादा हीटर के लिए बैठते हैं उससे भी हो सकती है, एयर कंडीशनर से भी हो सकती है. सो दीज आर द वेरियस रिस्क फैक्टर ऑफ द साइनोसाइटिस. और इसका एक कॉमन काज और भी हो सकता है, दैट इज एक्चुअली इन विंटर में जब फेरिंग्स का पीएच डिक्रीज होता है, राइट, फेरिंग्स का पीएच जब डिक्रीज होता है तब क्या होगा, वहां पर जो इनएक्टिव फंजाई है या बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और उसके एक्टिवेशन से भी फिर हमारे पास साइनोसाइटिस हो सकती है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द काजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ द साइनोसाइटिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिम्टम्स. इट्स सिम्टम्स कंटेन द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, फीवर, हेडेक, pus like nasal discharge, nausea and facial pain. There are a lot of others,
अदर भी हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं कि मतलब पस जो है ठीक है ये आपके मौत तक आती है, फेरिंग्स तक आती है, वो भी इसका सिम्टम हो सकता है ठीक है। लेकिन दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। नौजिया का मतलब है, ये वर्ड थोड़ा सा मतलब शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, नौजिया इसका मतलब है जी बराना ठीक है, कि आप वोमिटिंग भी नहीं कर सकते और आपका जी भराता है ठीक है, दैट इज नेम्ड एज अ नौजिया। और इसके ट्रीटमेंट को अगर हम देख लें, ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिफोर ट्रीटमेंट इफ वी लुक हियर, हियर टू टर्म्स इन मेडिकल लैंग्वेजेस टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डिजीज। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज एक्यूट राइट, एंड द सेकेंड इज नेम्ड एज क्रॉनिक। सो एक्यूट मीन्स दैट that this disease is let's suppose in earlier stages right, so if disease is in earlier stages that is named as acute infection, while if it is long standing that is named as a chronic infection. So if this sinusitis is in acute stages right, it may let's suppose 2 to 8 week, so it will consider as a acute stage. So in acute stage there is no specific treatment for the sinusitis and it may recover by its own self, while chronic stage that is severe condition of the sinusitis and उस condition में फिर आपने medicines लेने होंगे, या फिर अगर बहुत severe है तो उस condition में फिर क्या होगी, उसकी surgery होगी ठीक है। और chronic क्रॉनिक साइनोसाइटस को हम राइनोसाइनोसाइटस भी कह सकते हैं ठीक है, क्योंकि जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो, मींस प्रोलॉन्ग हो ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या हो सकते हैं, इफ दिस साइनोसाइटस इज कॉज्ड, अच्छा इसके डायग्नोसिस को अगर हम देख लें, बिफोर द ट्रीटमेंट वी हैव टू नो अबाउट डायग्नोसिस राइट, कि इसको हम किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि इज दिस साइनोसाइटिस आर नॉट। सो इसके लिए डायग्नोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं हो सकती, ऑल्दो इसका जो डायग्नोसिस है दैट इज रिलेटेड विद द सिम्टम्स। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके सिम्टम्स देखता है, तो उस सिम्टम्स के बिहाफ पे वो डिसाइड करता है कि यस दिस इज साइनोसाइटिस राइट। एंड द लास्ट वन इज द ट्रीटमेंट, इफ दिस साइनोसाइटिस इज कॉज्ड बाय एलर्जी देन योर ट्रीटमेंट विल बी इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड राइट। इंट्रानेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये आपका ट्रीटमेंट होगा उस कंडीशन में व्हेन एवर यू हैव एलर्जी साइनोसाइटिस, व्हाइल इफ दिस साइनोसाइटिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया देन एंटीबायोटिक्स प्लस सल्फर ड्रग्स। सल्फर ड्रग्स इज ऑल्सो एंटी बैक्टेरियल ड्रग्स। While in case of viruses, you have to take fluid adequately, मतलब ज्यादा तादाद में आपने फ्लूड्स को लेना होगा, जूस और पानी को, और एंड नेजल स्प्रे भी करनी होगी along with the rest, आपने रेस्ट भी करना होगा। So this is all about the treatment, but if this sinusitis is in chronic condition, then इसका इलाज क्या होगा, नेजल सर्जरी। उसका क्या इलाज होगा, नेजल सर्जरी राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोसाइटिस, लेट गिव देम अ रिव्यू। साइनोसाइटिस इज एक्चुअली द इन्फ्लेमेशन, द इन्फेक्शन ऑफ अ नेजल साइनोसिस आर फेशियल ओपनिंग। साइनोसाइटिस इन एक्यूट कंडीशन लास्ट फ्रॉम 2 to 8 weeks, वाइल इन क्रॉनिक कंडीशन इट इज लॉन्ग स्टैंडिंग। Sinusitis contain a specific type of membrane. Sinuses contain membrane which secretes antibodies containing mucus which protect the air from the irritants, right? This was the function. We have 4 different type of sinuses: frontal sinuses, ethmoid sinuses, sphenoid sinuses and maxillary sinuses. Its causes that may cause by bacteria, virus, allergy, yeah, allergens, dryness, or air conditioner and AC. And also it may cause by the pharynx, where when in winter the pH of pharynx is reduced and there results into the activation of bacteria, fungi, which can cause the sinusitis, right? If we look at its symptoms contain the nasal obstruction, fever, headache, pus-like nasal discharge, इसके साथ साथ नोजिया एंड फेशियल पेन। इफ डायग्नोसिस इज आल्सो डिपेंडेबल ऑन द सिम्टम्स, व्हाइल द ट्रीटमेंट इफ दिस साइनोसाइटिस इज फ्रॉम एलर्जी, इन फॉर्म ऑफ एलर्जी, देन इंट्रा नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज यूज्ड।
Bacterial is antibiotics and sulfur drugs. For viruses, fluid intake, nasal spray and rest. And for the chronic sinusitis, nasal surgery. This is very much important as a treatment. So look here now to the otitis media. This is the second aspect of the lecture, otitis media. As the name indicates, the word otitis is derived from a Greek word oti. Oti means air. And itis, as we mentioned over here, that itis means infection or inflammation. Right? So this is actually, otitis media is actually the inflammation, the infection of the middle ear. Otitis contains the three parts. Otitis externa, okay, otitis media, and otitis interna, right? We have three parts of our ear, external ear, middle ear, and internal ear. So, otitis externa, otitis media, and otitis interna, so these are collectively called as the ear, right? So we will focus on only and only the otitis media. Otitis media is actually the infection of the middle ear, okay? The inflammation of the middle ear. This middle ear contains a specialized tube-like structure, and that tube is named as eustachian tubule. And this eustachian tubule is connected with the pharynx. ये फेरिंग्स के साथ अटैच होती है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने फेरिंग्स के लेक्चर में ये बताया था कि दिस इज वर्किंग सच लाइक अ सर्कुलर चोक और रूट, जिससे बहुत सारे रूट्स जो है ना वो बाहर वो निकलते हैं, सच लाइक टुवर्ड द नोज नेसोफेरिंग्स, टुवर्ड द माउथ ओरोफेरिंग्स, टुवर्ड द लैरिंक्स लैरिंजोफेरिंग्स। इसी तरह eustachian tubule इसके साथ अटैच होती है, right? So this eustachian tubule is very much important for the ear. Why? Because it is used to equalize the middle ear cavity. जो middle ear surface है, उसको equalize कर सकते हैं, and also outside mucus to drain it from the middle ear. वहाँ पर जो mucus होती है, उसको ये drain कर देती है. लेकिन जब भी inflammation of this eustachian tubule हो जाए, तो वहाँ पर जो mucus होगी वो static हो जाएगी, right? वो maintain रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी। और उस mucus की वजह से फिर ये जो IMS है, right? IMS ये भी फिर effect हो सकता है, इस पे भी effect हो सकता है। These are IMS are named as the air ossicles, right? These are named as the air ossicle, and which IMS is actually three bones, incus, rise, right, malleus, and stapes. These are the actually the smallest bone in a body. So ye objective mein aa sakta hai ki what is the smallest bone in the body, that is stapes. So aur aapko ye bhi aa sakta hai ki what is the largest bone of the body, so that is femur, thigh bone जो है, ठीक है? तो femur is actually the largest bone of the body. And what is the strongest bone of the body? ये भी हो सकती है. This is very important objective. The strongest bone of the body. That is actually कुछ books में लिखा है femur, but that's not femur. That's the heel bone. ये एड़ी वाला, जिसको cancellous कहते हैं. Cancellous. That is a largest bone of the body. And what is the softest bone? It may be vary, but in most books this is nasal bone. ये ठीक है, nasal bone जो है ना ये softest है. कुछ books, बहुत सारे books में ये लिखा गया है, ठीक है? So all this को छोड़े, हमारे पास फिर जब भी mucus आती है तो फिर उस mucus, वो mucus static होती है. उसकी वजह से ये जो three ossicles हैं, incus, malleus and stapes जो है, ये effect हो सकते हैं, इस पे भी इसका असर हो सकता है, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? इसके causes को अगर हम देख लें
तो कॉजेज में क्या हो सकता है? इसके कॉजेज में, इसमें चिल्ड्रन जो होते हैं, दीज आर मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ओटाइटिस मीडिया. वाई? क्योंकि उसका जो यूस्टेशियन ट्यूब्यूल होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है. ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली होता है तो डायरेक्टली मींस इजीली बैक्टीरिया वायरसेस उस पे अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, यहां पर एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब्यूल में ये इक्वलाइज करता है, ठीक है, मेंटेन करता है इंटरनल एयर कैविटी को, और ये ड्रेनेज करता है, मींस इलिमिनेट करता है. लेकिन जब ये मेंटेन रह जाए तब क्या होगा, तो एयर जो है ना वो फिल होगी, और उसकी वजह से जब म्यूकस हम जब एयर इनहेल करते हैं तो वो एयर बाय मींस ऑफ नोज आ जाती है, फेरिंग्स तक पहुंच जाती है. दैट नोज, दैट एयर कंटेन बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया फिर कहां पर आ सकती है, यूस्टेशियन ट्यूब्यूल में आती है, जिससे फिर बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, ओटाइटिस मीडिया उससे फिर हो सकती है. यहां तक क्लियर हो गया? सो यहां पर हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो 80 टाइम्स मोर सस्पेक्टेबल होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल यूस्टेशियन ट्यूब्यूल्स. क्योंकि उसका जो मिडल एयर कैविटी है, यूस्टेशियन ट्यूब्यूल जो है वो हॉरिजॉन्टली है. और कॉमन काजेज इसमें क्या क्या हो सकते हैं? द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ दिस ओटाइटिस मीडिया आर एलर्जी, एलर्जी से भी हो सकती है ये, इन्फेक्शन, दैट इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल, वायरल और फंगस. ठीक है, फंगल भी इन्फेक्शन भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकती है. एंड द थर्ड वन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी वजह से बहुत ज्यादा होती है. And this point is the nutritional deficiency, mainly, specifically vitamin C. Vitamin C की कमी जब होती है तो उससे फिर ये otitis media बहुत ज्यादा होती है. इसी तरह the another component is the blockage of the eustachian tubule. So as we mentioned over here, that blockage क्यों आती है? Blockage इसलिए आती है क्योंकि वो fluid जो है वो drain नहीं होती है, और कभी कभार ये naturally होती है, उसकी वजह से भी ये फिर मतलब ओटाइटिस मीडिया हो सकती है. इसी तरह इफ वी लुक हियर एट इट्स सिम्टम, इसके सिम्टम्स में क्या होगा? लैक ऑफ एपिटाइट या एपिटेट, जो भूख होगी वो आपको भूख नहीं लगेगी. हेड एंड एयरिक, कान में सख्त सीवियर दर्द होगा सडनली. डीफनेस, आपको मतलब किसी चीज की आवाज सही तरह से नहीं पहुंचेगी. टेटनस, बजिंग, टिनिटस एंड बजिंग एंड रिंगिंग. इसी तरह इरिटेबिलिटी, राइट? बट इन सम कंडीशन द एयर ड्रम में आल्सो बर्स्ट एंड डिस्चार्ज द पस, ये भी हो सकता है. लेकिन इन केस ऑफ सीवियर केस, अच्छा इसके डिटेक्शन किस तरह होती है, डायग्नोसिस क्या है? डायग्नोसिस में ये है कि इसको देखने के लिए एक आला यूज होती है, दैट इज नेम इज ऑरिस्कोप और ऑटोस्कोप. ड्यू टू दैट ऑटोस्कोप, जो डॉक्टर होता है वो उस एयर को इंटरनल सरफेस से देखता है, बाकी उसके ये सिम्टम्स भी होते हैं, तो वो कंसीडर करते हैं कि यस दिस इंडिविजुअल इज अ पेशेंट ऑफ द ओटाइटिस मीडिया, राइट? तो इसमें ये क्या होगा, हमारे पास अगर हम देख लें तो इस एयर ड्रम को हम दूसरा नाम देते हैं, इस एयर ड्रम को हम नाम देते हैं मायरिंगो, राइट? एयर ड्रम इज आल्सो नेम्ड एज अ मायरिंगो एंड टोमी आर स्टोमी. स्टोमी आर टोमी, टोमी का मतलब है पोरस, टोमी का मतलब है पोरस, क्या आपने इसमें पोर्स क्रिएट किए, ठीक है? सो मायरिंगोटोमी इज एक्चुअली दैट प्रोसेस, दैट फिनोमिना इन विच द एयर ड्रम इज रप्चर्ड, उसको पोरस बनाते हैं. क्यों? ताकि वहां पर जितना भी फ्लूइड है, जितना भी वो है, मतलब हमारे पास जितना भी म्यूकस है, फ्लूइड है, कि उसको ड्रेन कर ले, उसको बाहर निकाले. सो द प्रोसेस बाय विच द एयर ड्रम इज रप्चर्ड फॉर विच पर्पस टू ड्रेन द फ्लूइड, दैट इज नेम्ड एज मायरिंगोटोमी. एंड दिस मायरिंगोटोमी इज आल्सो नेम्ड एज टेम्पेनोस्टोमी, उसको हम दूसरा नाम देते हैं टेम्पेनोस्टोमी. ये एक रीजन हो गया. दूसरा, सर्जिकली इसके अंदर कुछ
ट्यूब जो होते हैं माइन्यूट ट्यूब्स वो इंसर्ट करते हैं एंड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ दैट ट्यूब्स वो क्या करेगा फिर वहां से जितना भी फ्लूइड होगा वो फ्लूइड बाहर निकालेंगे और उस ट्यूब्स को हम नाम देते हैं ग्रोमाइट्स का ठीक है उस ट्यूब्स को नाम देते हैं ग्रोमाइट ग्रोमाइट आर द माइन्यूट ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर इंसर्टेड सर्जिकली इन द एयर टू ड्रेन द फ्लूइड ठीक है टू ड्रेन द म्यूकस दैट इज नेम एज ग्रोमाइट और इसकी जो ट्रीटमेंट है इफ दिस ओटाइटिस मीडिया इज फॉर शॉर्ट टाइम तो सेल्फली रिकवर हो सकती है अगर ये प्रोलॉन्ग है क्रॉनिक है तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज एंटीबायोटिक्स सो इट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और लेक्चर्स इंजॉय करते जाएं साथ में कमेंट्स कर लें सब्सक्राइब माय चैनल और कीप वाचिंग थैंक यू वेरी मच इंजॉय अल्लाह हाफिज़